तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर HTML कोर्स चल रहा है बिगिनर्स टू एडवांस लेवल। आज है डे सेवन के अंदर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है एंकर टैग। अब ये एक ऐसा टैग है जिसको बहुत ज़्यादा HTML के अंदर यूज़ किया जाता है, कई तरीके से यूज़ किया जाता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना। अब इसको कई तरीके से यूज़ किया जाता है, मैं सारे तरीके इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा और एक ही वीडियो में पूरा एंकर टैग कवर कर दूँगा, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी बाकी वीडियोस को देखते हुए। तो आपको बीच में कहीं पे भी स्किप नहीं करना है या फिर वीडियो को कट नहीं करना है, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप एंकर टैग को सही से सीख पाओगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो वेलकम बैक जनाब, हम लोग आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए मैं अपने SPC के कोड एडिटर को खोल लेता हूँ जहाँ पर हम लोग मोबाइल में HTML कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप सेम कोडिंग लैपटॉप में भी कर सकते हो, VS कोड एडिटर या किसी अन्य कोड एडिटर पर कर सकते हो। अभी यहाँ पर HTML बॉयलर प्लेट खुली रखी हुई है और यहाँ पे डॉक टाइप HTML स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से कोर्स को नहीं देख रहे हो, बीच से कहीं से ज्वाइन किए हो, तो हो सकता है आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में ना आए, तो आपको स्टार्टिंग के कुछ वीडियोस तो देखना कंपलसरी है जहाँ पे मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो बिना उनको जाने आप ये वीडियो को मत देखिए। डिस्क्रिप्शन में कोर्स की लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर लो, पूरी प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से देख सकते हो। और मैं बता दूँ, अगर आप नए हो तो यहाँ पे नोट्स भी आपको डिजिटल नोट्स मिल रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी PDF की, वहाँ पे आप डिजिटल नोट्स को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रख सकते हो। तो चलिए इस कोड को प्रीव्यू करते हैं और यहाँ पे आपको एंकर टैग बताते हैं। सबसे पहले एंकर टैग लिखा किस तरीके जाता है HTML के अंदर, तो आपको इस तरीके का बॉक्स बना लेना है, लेस देन ग्रेटर देन वाला, और ए लिख देना है, ये आपका एंकर टैग है। और क्लोज तो आपको पता ही होगा, मैंने पहले बताया, इस तरीके से स्लैश लगाकर क्लोज किया जाता है, ये क्लोजेबल टैग है। अब ये एंकर टैग का काम क्या होता है, तो एंकर टैग का काम होता है लिंक करना। लिंक मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ना। अब इससे आप हो सकता है दो डॉक्यूमेंट को आपस में जोड़ सकते हो, दो HTML वेब पेज को आपस में जोड़ सकते हो, दो से ज़्यादा HTML वेब पेज को आपस में जोड़ सकते हो, प्लस एक वेबसाइट के अंदर किसी दूसरी वेबसाइट की लिंक डालकर आपस में जोड़ सकते हो। ये आपकी वेबसाइट है, ये दूसरे की वेबसाइट है, आप इसमें लिंक कर सकते हो आपस में एंकर टैग के जरिए। ठीक है, तो ये काम एंकर टैग करता है। तो किस तरीके करना है सब चीज़ें बताऊंगा, वीडियो काफ़ी बड़ी होने वाली है, कम से कम ये 5 पार्ट्स में बनेगी, तो मैं यहाँ पे Part 1, Part 2, Part 3 इस तरीके करके बनाऊंगा। तो ये अलग अलग वीडियोस नहीं आएंगी, एक ही वीडियो के अंदर पांचों पार्ट्स मैं बनाने वाला हूँ, इसलिए कि अगर आप एक वीडियो पूरी देख लो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। अलग अलग वीडियो में क्या होता है, एक वीडियो आपको मिली, दूसरी नहीं मिली, तीसरी चले गए, तो लाइन टू लाइन आपको पूरी इसी में पूरी कंपलसरी एक वीडियो मैं बना दूंगा और सिंगल वीडियो के अंदर सब चीज़ें समझा दूंगा। तो पहले अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में समझते हैं इसका जो सबसे ज़्यादा मेन यूज़ होता है। आप किसी भी वेबसाइट में जाते हो तो आपको पता होगा कि वेब पेज से मिलकर वेबसाइट बनती है। आप एक वेब पेज बनाते हो, HTML का एक पेज बनाते हो, दो बनाते हो, इस तरीके से जब कम से कम 5 HTML पेज हो जाते हैं तो आपकी एक वेबसाइट बन जाती है। तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वेब पेज के कलेक्शन को ही हम लोग वेबसाइट बोलते हैं। तो ये जैसी वेबसाइट है, ये नीचे आई, इन दोनों से जुड़ गई, इस तरीके से ये पूरी जो एक बनी जाके ये वेबसाइट का समूह, मतलब वेब पेज का समूह वेबसाइट बन गया जाकर। तो हम लोग अलग अलग वेब पेज को कनेक्ट कैसे करते हैं, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो गए, अभी मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोल लेता हूँ, उसका मैंने टेम्पलेट एडिट किया हुआ है, मैं यहाँ पे माई साइट के नाम से बनाया हूँ, उसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे एक सेकेंड का समय ले गई वो ओपन में। ठीक है, तो ये मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग पेज की लिंक, मतलब यहाँ पे नेविगेशन बार दिया हुआ है। आप किसी भी वेबसाइट पे जाते होगे तो इस तरीके का आपको एक नेविगेशन बार मिलता होगा जहाँ पर आपको अबाउट अस मिल जाता होगा, इस तरीके से अबाउट अस। इसको मैं कलर चेंज कर लेता हूँ अपने कर्सल का, यहाँ पे येलो कर लेता हूँ। अबाउट अस ट्यूटोरियल नाम से एक सेक्शन बना है, कॉन्टेक्ट नाम के सेक्शन बना है। तो किसी भी वेबसाइट में जाओगे तो आपको अबाउट अस, ट्यूटोरियल और कॉन्टेक्ट और प्राइवेट पॉलिसी और आपका क्या कहते हैं, किसी भी तरीके के जो 2-4 पेज होते हैं मेन्यू, ये सब आपको मिलने ही मिलने हैं। तो ये कंपलसरी होते हैं किसी भी वेबसाइट में। तो आपको मान लीजिए मैंने यहाँ पे अबाउट अस पे क्लिक किया, तो मैं अबाउट अस वाले पेज पे चला जाऊँगा डायरेक्ट। अभी देखना, ये अबाउट अस वाले पेज पे आ गया। अब मैं अगर कॉन्टेक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने CSS नहीं की हुई है इसलिए ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर गैलरी वाले पेज पे क्लिक करता हूँ
तो गैलरी वाले पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से सारे पेज एक दूसरे से कनेक्ट हैं, एक पेज पर क्लिक करते हो तो दूसरा पेज अपने आप खुल जाता है जाकर, ठीक है। तो ये चीज़ देखिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे पेज पर, मान लीजिए फिर होम पेज पर जाना है तो होम पेज पर हमने क्लिक कर दिया और ये डायरेक्ट हम लोग होम पेज पर आ चुके हैं। तो ये सब पेज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो किस तरीके कनेक्ट हैं ये चीज़ समझनी पड़ेगी हम लोग को एंकर टैग के अंदर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने बैक आ गया, अपना प्रोजेक्ट खोल लेते हैं। यहाँ से वर्कशॉप पे जाएंगे और यहाँ पे एक सेकंड HTML पेज, ठीक है। अभी ये हमारा जो पेज है ये होम पेज है। होम पेज किस नाम से मैं आपको दिखा देता हूँ, index.html नाम से। ये देखिए होम पेज है index.html नाम से। तो चलिए हम लोग कम से कम तीन पेज बनाएंगे, एक पेज है हमारे पास तो दो और बनाने होंगे। तो सबसे पहले इस पेज का एक लोग नाम दे देते हैं जिससे समझ में आएगा कि कौन सा पेज है। तो हम लोग हेडिंग वन दे देंगे, यहाँ पे हेडिंग वन दिया और यहाँ लिख देते हैं होम पेज, पहचानने के लिए आसानी होगी। बस वीडियो को बीच से मत छोड़ना, बिल्कुल आपको सटीक वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रीव्यू देखा तो इस तरीके से होम पेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और पेज बना लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थ्री लाइन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से, न्यू फाइल, न्यू फाइल में हम लोग लिखेंगे अबाउट अस डॉट HTML, ठीक है, अबाउट अस डॉट HTML, ओके किया और यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब ये जो पेज है इसमें भी ये थोड़ा सा, मैं इसको हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे, मेटा डाटा के लिए यूज़ किया जाता है, इसको मैं हटा देता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आने वाला है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक नाम दे देंगे इसका, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं अबाउट अस ओके। और अब हम लोग यहाँ पे आते हैं बॉडी टैग के अंदर और यहाँ पे भी हेडिंग वन हम लोग दे देंगे, H1 दे देंगे और इसका नाम रखते हैं अबाउट अस। ये हेडिंग इसलिए दे रहे हैं कि अभी पहचानने में आसानी होगी। ये सब पेज को आपस में हम लोग कनेक्ट करेंगे, ठीक है। होम पेज हो गया, अबाउट अस हो गया और एक पेज बना लेते हैं कॉन्टैक्ट नाम से। तो हम लोग थ्री लाइन के लिए न्यू फाइल पर गए और कॉन्टैक्ट नाम से एक पेज बनाया, ठीक है, contact.html ओके। अब इस वाले पेज पे आ गए, इसमें भी हम लोग इस मेटा डाटा को हटा लेंगे, ये टैग आपके यूज़ का नहीं है इसलिए इसको हटा देते हैं, ओके। टाइटल दे देते हैं इसका, टाइटल में आपको पता होगा कि पहले मैंने बता रखा है टाइटल में क्या चीज़ दी जाती है, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा तब। और बॉडी में हम लोग H1 हेडिंग दे देते हैं, H1 हेडिंग दे दी। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे भी इसका नाम लिख देते हैं। अब इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये देखिए अब हमारे पास टोटल कितने पेज हैं, तीन पेज है। पहला ये index.html नाम से जो है ये हमारा होम पेज है, सबसे मेन पेज जो होता है होम पेज उसको हम लोग index.html के नाम से बनाते हैं। दूसरा हमारा aboutus.html हो गया, तीसरा contact.html हो गया, ठीक है, तीन पेज है। अब इन तीनों को आपस में कनेक्ट कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको होम पेज में आ जाना है और यहाँ पे अभी कोई भी लिंक नहीं दी है। अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं इसको कनेक्ट कैसे करना है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग एंकर टैग का यूज़ करेंगे, एंकर टैग ओपन करेंगे और उस पेज को जो पेज कनेक्ट करना है उसका हम लोग URL मतलब उसका नाम दे देंगे, ठीक है। तो फिर हम लोग उसको कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एंकर टैग ओपन करते हैं, यहाँ से एंकर टैग ओपन किया और HREF ये जो लिखा हुआ है ये एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट है आपका, आपको पता होगा मैंने एट्रीब्यूट बताया है पहले। इसको फुल फॉर्म बोलते हैं हाइपर रेफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है इस जगह पे हम लोग उसका नाम देंगे। तो हमारे पास दो पेज है, दो पेज का हम लोग कनेक्शन करना है। तो पहले देंगे aboutus.html, ठीक है। तो अबाउट अस, थोड़ा सा स्पेस ले लेते हैं, अस डॉट HTML, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे अबाउट अस, ओके। अब हम लोग इस तरीके से यहाँ पे आते हैं, एक पेज और है हमारे पास उसका भी कनेक्शन कर लेते हैं। एंकर टैग ओपन किया और यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग को देना है contact.html, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कॉन्टेक्ट अस, ठीक। दो पेज हमारे पास कनेक्ट हो गए, दोनों का URL आ गया। हम लोग को एक BR टैग लगा देना होगा बीच में। अब BR टैग के ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि अगर आगे कोर्स कंटिन्यू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि BR टैग कैसे यूज़ करते हैं। तो जिन्होंने कल वो वाली वीडियो देखी होगी BR टैग के बारे में तो आज वो समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने BR टैग क्यों लगाया है।
लाइन ब्रेक करने के लिए, ये नीचे लाने के लिए अभी साथ में आ रहे थे, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस दो पेज बन चुके हैं। अब हम लोग को जाना है यहाँ पे दूसरे वाले पेज पर, कॉन्टेक्ट HTML पर, और यहाँ पे हम लोग को दो पेज देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, एंकर टैग ओपन किया। एंकर टैग ओपन करने के बाद में अब हम लोग यहाँ पे देंगे index.html, जो होम पेज था उसका नाम, ठीक है, index.html। और यहाँ पर लिख देंगे होम पेज, एंकर टैग के बीच में होम पेज, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। हम लोग देखिए सबसे पहले एंकर टैग ओपन करते हैं यहाँ पे, फिर हाइपर रेफरेंस के अंदर इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग लिख देते हैं उस पेज का नाम जिसपे हम लोगों को रिडायरेक्ट करना है, index.html। फिर जहाँ से ये बंद हुआ है उसके बीच में हम लोग जो जगह बचती है वहाँ पे हम लोग उस पेज को एक नाम दे देते हैं, जैसा कि होम पेज नाम दे दिया। और उसके बाद हम लोग एंकर टैग क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, लास्ट में स्लैश लगाकर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे एक और कनेक्शन करेंगे कॉन्टेक्ट पेज वाले का, ठीक है। तो हम लोग एंकर टैग ओपन किए, अब यहाँ लिखें कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। तो contact.html पेज का नाम है, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए contact.html इसका नाम देना होगा, इसका भी कनेक्शन करना है इस पेज से। तो सभी वेबसाइट मतलब सभी पेज पर जाकर सबका एक दूसरे से कनेक्शन कर देना है, बस नाम देते जाना, कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोगों को लिखना है कॉन्टेक्ट अस, ओके। देखो दो जगह हो चुका है, एक होम पेज पे हम लोग ने दोनों का कनेक्शन कर दिया था, दूसरा हम लोग ने अबाउट अस पे दोनों का कनेक्शन कर दिया, कॉन्टेक्ट अस पे दोनों का कनेक्शन कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे हम लोगों ने होम पेज का किया है और यहाँ पे contact.html का नहीं करना है, यहाँ पे aboutus.html का करना है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टेक्ट वाला ही पेज है, ठीक है। तो लिख देते हैं aboutus.html, ठीक, और यहाँ पे भी लिख देते हैं aboutus, ओके। इतना हो चुका है, इसको रन करते हैं। तो ये कॉन्टेक्ट वाला पेज है, हम लोग को यहाँ पे br टैग यूज़ करना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा br टैग क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो कॉन्टेक्ट वाले पे होम पेज और aboutus दो हम लोगों ने दे दिए हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे aboutus.html वाले पेज पे। अब यहाँ किसका किसका कनेक्शन करेंगे आप जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, फिर मैं करता हूँ, ठीक है। एंकर टैग ओपन किया हाइपर रेफरेंस में, अब इसमें हम लोग कनेक्शन करेंगे किसका, contact.html का और homepage.html का, ठीक है। आप कहोगे भाई अबाउट अस का क्यों नहीं किया, क्योंकि अबाउट अस के ही तो अंदर कर रहे हो, जब उसी पेज के अंदर कर रहे हो तो उसका कनेक्शन करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसमें जब करोगे तो इन दोनों का नाम लिखोगे, ठीक है। फिर आप अगर contact.html में करोगे तो इन दोनों का नाम लिखोगे, और index.html में करोगे तो इन दोनों का नाम लिखोगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा एंकर टैग के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले होम पेज के लिए index.html, ठीक है, इतना लिख दिया। अब यहाँ पे लिखते हैं होम पेज, ओके होम पेज। अब इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे ये हो चुका है होम पेज, या फिर होम पेज न लिख कर सिर्फ होम लिख देते हैं, वो भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एंकर टैग के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे br टैग यूज़ कर लेंगे, और एक एंकर टैग फिर से ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। एंकर टैग एक फिर ओपन किया, और अब यहाँ पे लिखेंगे जनाब हम लोग क्या चीज़ लिखेंगे, अब बताइए आप जल्दी से कमेंट करके। अब हम लोग लिखेंगे contact.html, ठीक है, contact.html, ओके, इतना लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्ट अस। तो हम लोग अब देखते हैं कि यहाँ पे तीनों पेज में एक दूसरे से कनेक्शन कर लिया है हम लोग ने, कॉन्टेक्ट वाले पेज पे गए तो यहाँ पे भी कनेक्शन हो चुका है, होम पेज जहाँ लिखा वहाँ पे होम कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन कर लिया। चलिए हम लोग होम पेज पे आ जाते हैं अपने। अब ये ध्यान से देखिए कि हमारा होम पेज खुला हुआ है ये, ठीक। अब हम लोग क्लिक करते हैं अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक करते हैं, तो देखते हैं क्या हम लोग अबाउट अस वाले पेज पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे यहाँ पे, तो इसको प्रीव्यू को ओपन करेंगे, जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इस तरीके से। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग अबाउट अस वाले पेज पे पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग अबाउट अस वाले पेज पे पहुँच चुका है,
और अब हम लोग बैक आते हैं। बैक आने के बाद हम लोग कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे चलते हैं। कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे गए तो देखिए कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुंच चुके हैं। मतलब समझ में आ रहा है कि आप अबाउट अस वाले पेज पे क्लिक कर रहे हो तो देखिए अबाउट अस वाले पेज पे चले गए, फिर कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट अस पे चले गए। ठीक है, अब मान लीजिए कॉन्टैक्ट से हम लोग को अबाउट अस वाले पे जाना है तो अबाउट अस वाले पे चले गए, फिर अबाउट अस वाले से होम पेज पे जाना है तो होम पेज पे चले गए। मतलब सभी पेज एक दूसरे से कनेक्ट है। आप समझिएगा, मैं अबाउट अस पे जाता हूँ, अबाउट अस जाने के बाद मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ, कॉन्टैक्ट अस जाने के बाद मैं होम पेज पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ होम पेज पे ये देखिए, ठीक है, तो सभी एक दूसरे से कनेक्ट हैं। तो इस तरीके से पेजों का कनेक्शन एंकर टैग की मदद से हम लोग कर सकते हैं। तो ये तीनों पेज आपस में ज्वाइंट हैं, इन तीनों पेज पे क्लिक करने पर हम लोग एक दूसरे के पेज पर चले जा सकते हैं। अब क्या चीज़ यहाँ पे बची हुई है, देखिए पार्ट वन तो हो चुका है। पार्ट वन में हम लोगों ने क्या सीखा कि हम लोग यहाँ पे तीन पेज है, तीनों पेज को आपस में कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो तीनों पेज को आपस में हम लोगों ने एंकर टैग के जरिए कनेक्ट कर दिया है। तीनों में किसी पे क्लिक करोगे तो एक दूसरे पर पहुँच जाओगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर चलते हैं पार्ट टू की तरफ। पार्ट टू में क्या चीज़ है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम लोग हटा लेते हैं, और हटाने के बाद में यहाँ पर जो मैंने लिंक्स दी थी और पार्ट टू में क्या चीज़ें हम लोग समझते हैं। हम लोग यहाँ पे अब इमेज की लिंक बनाने वाले हैं। क्या कह रहे हो भाई, इमेज की लिंक कैसे, देखो समझाता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग एक एंकर टैग ओपन किए। ठीक है, एंकर टैग ओपन जैसे अभी तक हो रहा था, अब यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे नहीं। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो आप देखोगे कि एक हमारे पास इमेजेस नाम का फोल्डर बना हुआ है। दिखाता हूँ एक सेकंड, ये देखिए इमेजेस नाम का फोल्डर बना हुआ है इसी ऐप के अंदर। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो इमेज है, android.jpg apple.jpg। ठीक है, अब आप इसको कैसे ला सकते हो, तो यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करोगे, इंपोर्ट फाइल पे जाओगे और यहाँ पे कोई भी फोटो चूज करके ले आओ। ठीक है, उसके बाद आप रीनेम करके उसका नाम भी छोटा कर सकते हो। तो आप क्या चीज़ यहाँ पे करनी समझते हैं। सबसे पहले android.jpg की फ़ोटो दिखा देता हूँ, वो इस तरीके है, और apple.jpg की फ़ोटो वो इस तरीके है। ठीक है, अब हम लोग इसको अपने HTML वेब पेज के अंदर कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे दिखाऊँ तो होम पेज लिख कर आ रहा है, पर यहाँ पे कोई भी फ़ोटो नहीं आ रही है। तो एंकर टैग जहाँ पे ओपन किया है तो आपको HREF के अंदर यहाँ पे क्या देना है, वैल्यू क्या देनी है, उस फोटो का नाम। फ़ोटो का नाम देने से पहले आपको फोल्डर का नाम देना होता है। सबसे पहले आपको लिखना होगा इमेजेस, ठीक है, इमेजेस फोल्डर का नाम, फिर आपको स्लैश लगाना होगा, फिर यहाँ पे फोटो का नाम लिखना होगा android.jpg, और ये अगर ये सुनना है सो करना है तो apple.jpg। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे फोल्डर का नाम, तो फोल्डर का नाम है इमेजेस। तो अब कैपिटल लेटर में मैंने इमेजेस लिखा है, तो आपको भी कैपिटल लेटर में, मतलब यहाँ पे मैंने कैपिटल में लिखा है तो मुझे भी कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। अगर स्मॉल में इमेजेस लिखा होता तो स्मॉल में लिखता मैं। तो ये देखना स्टार्टिंग आप किस चीज़ से कर रहे हो, यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। मैंने कैपिटल आई से स्टार्ट किया तो मैं कैपिटल आई से कर रहा हूँ, अगर आपने स्मॉल से किया तो स्मॉल से करिए। अब मैंने बैक स्लैश लगाया, अब यहाँ पे मैं फ़ोटो का नाम दूंगा सबसे पहले android.jpg। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ android.jpg, ओके, और यहाँ नाम के अंदर क्या चीज़ देनी है, एंड्रॉयड दे देता हूँ नाम के अंदर। ये एंकर टैग के बीच में जो स्पेस होता है, ये वाला स्पेस, यहाँ पे हम लोग को नाम देना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं एंड्रॉयड, ओके। अब इसको ओपन करते हैं, एंड्रॉयड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फ़ोटो नहीं आई। क्यों नहीं आई, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि यहाँ पे जो भी चीज़, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एंड्रियास लिखा हुआ है, एंड्रॉयड नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये गलतियाँ छोटी छोटी होती रहती हैं, इनको आपको ध्यान देना है। कोई भी चीज़, इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, धीरे धीरे परफेक्ट सीखते जाओगे, परफेक्ट होते जाओगे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा हर किसी के साथ होती है, तो आपको घबराना नहीं कि भाई मेरे साथ क्यों हो रहा है और आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया android.jpg। अब मैं इसको रन करता हूँ, अब भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, मैंने आपको एक चीज़ यहाँ नोटिस करने के लिए कहा था कि ए जो है कैपिटल है, और जबकि यहाँ पे फोटो में ए स्मॉल है, तो स्मॉल ए रखना पड़ेगा। ये चीज़ HTML के अंदर बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो ए लिख दिया। अब यहाँ पे इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे ये फ़ोटो अब आ चुकी है। देखिए, तो यही चीज़ होती है कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान नहीं दोगे कि ए कैपिटल था या ए स्मॉल था, तो आपकी चीज़ें काम नहीं करेंगी। अब यहाँ पे ये फ़ोटो आ चुकी है android.jpg। ऐसे हम लोग दूसरी फ़ोटो को कनेक्ट करेंगे और बिना गलती करने की कोशिश करेंगे। पहली बार गलती जो होती है उससे आपको सीख लेनी चाहिए, और दोबारा गलती ना हो ये चीज़ सोचनी चाहिए। पर ये नहीं कि अगर दोबारा गलती हो जाती तो आप उदास हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है, सबके साथ होता है, पर आपको उदास नहीं होना है। इमेजेस, बैक स्लैश लगाया, यहाँ पे देखा
नाम क्या लिखा है, apple.jpg, सेम आपको वही नाम लिखना है। स्मॉल से लिखा हुआ है तो स्मॉल से लिखिए, कैपिटल से लिखा है तो कैपिटल से लिखिए, apple.jpg। और बहुत से लोग जानते हो क्या होता है कि डॉट नहीं लगाते हैं, जैसे मैंने नहीं लगाया, तो आपको डॉट भी लगाना चाहिए। यहाँ पे डॉट नहीं लगाओगे तो काम नहीं करेगा, इंस्टेंशन होती है ये, ठीक है। तो डॉट मैंने लगाया तभी यहाँ पे अब काम करेगा, तो यहाँ पे दे देता हूँ एप्पल, ठीक है। यहाँ पे आप कैपिटल या स्मॉल से किसी से भी नाम दे सकते हो, ये शो हो रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए br टैग भी यहाँ पे हमको यूज़ करना होगा, ब्रेक लाइन टैग, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ज़रूरी है। अब यहाँ पे एप्पल वाले पे क्लिक किया और यहाँ पे ए भी कह रहा है एरर 404 फाइल नॉट फाउंड, क्यों नहीं फाउंड। अब यहाँ पे देखिए समझते हैं, सबसे पहले apple.jpg जो लिखा हुआ है इसमें स्पेस लगा हुआ है बीच में, तो हम लोगों को इसको हटाकर सही से लिखना पड़ेगा, apple.jpg, ओके। और यही चीज़ इसी के अंदर भी हुई थी एंड्रॉयड वाले के अंदर, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए, apple.jpg। अब यहाँ पे फ़ोटो आ चुकी है, ये फ़ोटो आ चुकी है। इसी तरीके एंड्रॉयड पे क्लिक करोगे तो एंड्रॉयड की फ़ोटो आ जाएगी, एप्पल की फ़ोटो को क्लिक करोगे तो एप्पल की फ़ोटो आ जाएगी। तो कभी कभी जूम आउट हो जाता तो आपको जूम इन कर लेना चाहिए। अब मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें सिखा दी, एक तो दो पेजों को आपस में कनेक्ट करना सिखा दिया और एक दो डॉक्यूमेंट को आपस में कनेक्ट करना सिखा दिया, तो यहाँ पे फ़ोटो आपस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब मैं थर्ड आपको सिखाने वाला हूँ वेबसाइट कनेक्ट करना, कि वेबसाइट कैसे कनेक्ट की जाती है, तो उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एंकर टैग ओपन करेंगे, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग ओपन करने के बाद में हम लोग ने इस तरीके से एंकर टैग ओपन कर लिया। अब यहाँ पे वेबसाइट का URL आपको देना है, यहाँ पर इस जगह पर आपको वेबसाइट का URL देना है, तो चलिए मैं दे लेता हूँ आपके सामने, http:// उसके बाद क्या लिखा जाता है, डबल स्लैश लगाया, www.google.com, ठीक, इतना लिख दिया। और अब हम लोग यहाँ पे नाम दे देंगे गूगल, और यहाँ पे br टैग लगा देते हैं जिससे इन दोनों में स्पेस हो जाए, एक और लगाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस हो जाएगा। अब ओपन किया तो यहाँ पे गूगल पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो मैं गूगल पर पहुँच जाऊँगा। तो इतना आपको समझ में आया वेबसाइट कैसे कनेक्ट करते हैं। आपको सबसे पहले एंकर टैग ओपन करना है, HREF एट्रीब्यूट लगाना है और वैल्यू में आपको उसका URL दे देना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे YouTube लिख देते हो तो YouTube का भी आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो इससे चेक कर लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो दूसरी तरीके भी कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग YouTube लिख देते हैं, youtube.com, ठीक है। अब इसको टच करते हैं, लिखा गूगल पर ओपन यूट्यूब होना चाहिए, तो यूट्यूब ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं, तो चलिए हम लोग यूट्यूब के लिए एक नया URL बना लेते हैं, यहाँ पे गूगल लिख देते हैं। तो मैं आपके सामने बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको सीख जाओ, ये ना लगे आपको कि मुझे आ नहीं रही है, ठीक है। तो फिर से एंकर टैग ओपन करेंगे। अब आप कमेंट में बताइएगा भैया अब क्या क्या होना है, प्रोसेस बताना मेरे को, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले URL देंगे, तो URL है http:// उसके बाद backslash दो बार, फिर लिखना है www.youtube.com, ठीक। और यहाँ पे लिख देते हैं YouTube और इसको रन करते हैं। अब यहाँ पे बैक आते हैं, यहाँ पे br टैग लगा देते हैं, br, ओके, br ज़रूरी होता है, एमिट कर दिया, इसको रन किया। अब YouTube पे क्लिक किए तो हम लोग YouTube पे पहुँच जाएंगे। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देख रहे होंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कि हम लोग उसी पेज पे खुल जाता है YouTube जहाँ पे थे हम लोग। यहाँ ऊपर देख रहे हो, ये उसी पेज पे खुल जा रहा है जहाँ पे हम लोग थे, नए पेज पे नहीं खुल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को ये क्या चीज़ है, अब हम लोग को नए पेज में खोलना हो, मान लीजिए हम यही क्रोम ब्राउज़र के अंदर खोलते हैं इसी चीज़ को। यहाँ पे न्यू टैब पे गए, ओपन इन ब्राउज़र किया, ठीक है। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद में इसको ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग अगर क्लिक करते हैं यूट्यूब तो देखना ये उसी पेज के अंदर खोल देगा, नए पेज के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। ये उसी पेज के अंदर इसने खोल दिया इसको, यूट्यूब को। गूगल पे क्लिक किया तो गूगल भी उसी पेज पे खुल गया, न्यू पेज पे नहीं जा रहा है, ठीक है। अब न्यू पेज पे, न्यू टैब पे कैसे ले जाना है, क्योंकि क्रोम के अंदर तो टैब होते हैं, तो टैब पे, न्यू टैब पे ले जाने के लिए आपको यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। उस एट्रीब्यूट का यहाँ पे जनाब नाम है टारगेट, टारगेट एट्रीब्यूट यूज़ करना होगा। ये हमारा थर्ड पार्ट चल रहा है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। थर्ड पार्ट के अंदर ही हम लोग ये टारगेट एट्रीब्यूट सीख रहे हैं, तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये थर्ड है, ठीक है।
तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टारगेट, एक एट्रीब्यूट होता है TARGET टारगेट, और हम लोग यहाँ पे या अंडरस्कोर ऐसे लाइन होती छोटी सी अंडरस्कोर की, और फिर लिखेंगे ब्लैंक इस तरीके से टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक, और ये वैल्यू में रहेगा ब्लैंक। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्क्वल का निशान लगाना है और ये इन्वर्टेड कॉमा में दे देना है, जो ब्लैंक लिखा हुआ है ये हम लोग को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा। तो इस तरीके से BLANK के ब्लैंक, ओके। अब इस तरीके से एट्रीब्यूट हम लोग ने दे दिया है, मैं आपको उसको नीचे ला कर दिखा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले टारगेट हम लोग ने लिखा, टारगेट एट्रीब्यूट है, उसके बाद स्क्वायर का निशान लगाया है, फिर डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग ने क्या लिखा है इस तरीके से एक डंडा खींचा है इसे, इसको बोलते हैं अंडरस्कोर, फिर लिखा है ब्लैंक BLANK ब्लैंक, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग ने इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दिया है। अब इसको रन करते हैं, देखिएगा जब भी हम लोग यहाँ ब्राउज़र पे जाते हैं और कोई भी पेज खोलेंगे तो यहाँ न्यू टैब पे खोलेगा जाकर, ठीक है। तो हम लोगों ने गूगल पे क्लिक किया, गूगल पे तो देखिए न्यू टैब पे खोला जाकर पूरी तरीके से, यूट्यूब पे क्लिक किया तो ये न्यू टैब पे खुल रहा है जाकर इस तरीके से। तो इसके लिए दो पेज की इसको ज़रूरत पड़ रही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ, कि जो भी चीज़ है वो न्यू टैब पे खोलनी चाहिए, तब हम लोग को यहाँ पे सही लगता है। चलिए इसको और डिटेल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, सिर्फ एक लिंक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एप्पल का, ठीक है। अब इस एप्पल वाले लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ एक फ़ोटो ओपन होगी, ठीक है, ये फ़ोटो एप्पल की ओपन होगी। तो चलिए मैं इसको ब्राउज़र पे ले चलता हूँ और यहाँ पे समझाता हूँ। ओपन इन ब्राउज़र पे गए और हम लोग अभी उसी टॉपिक पे चल रहे हैं टारगेट एट्रीब्यूट वाले, और इसको यहाँ पे एप्पल पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी फ़ोटो उसी टैब में ओपन हो रही है, दूसरे टैब पे नहीं जा रही है, लोकल होस्ट वाले ही टैब पे ओपन हो रही है, ठीक है। और यहाँ अभी कोई टैब शो नहीं हो रहा है। अब हम लोग जाते हैं कोडिंग में और यहाँ पे अब आपको ध्यान से समझाता हूँ। सबसे पहले लिखना है TARGET टारगेट, ओके। स्क्वायर का निशान लगाना है, डबल कोटेशन मार्क, फिर अंडरस्कोर का निशान लगाना है ऐसे डंडा टाइप के नीचे, और ब्लैंक इतना आपको लिख देना है। इतना आपको समझ में आया, कहीं डाउट तो नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को प्रीव्यू करना है और ओपन इन ब्राउज़र पर जाना है। ओपन इन ब्राउज़र पर जाने के बाद में एप्पल पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं तो ये देखिए दो टैब खुल गए। दो टैब कैसे खुले भाई, दिखाओ जरा। तो एक ये टैब पहले वाला था, एक ये देखिए दूसरा वाला खुल गया है। जैसे हम लोग दूसरे वाले टैब को ऐसे काटेंगे तो पहले वाले टैब पर आ जाएंगे। फिर हम लोग एप्पल वाले टैब पर गए तो ये देखिए एक टैब और खुल गया। तो इस तरीके से हम लोग जब भी क्लिक करते हैं तो ये एक की बजाय दो टैब में खुल जाता है, मतलब उसी टैब के अंदर नहीं खुलता, दूसरे नए टैब के अंदर ही खुल रहा है। एप्पल पर क्लिक किया, ये आ चुका। तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है? ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जब आप किसी वेबसाइट को लिंक दे रहे हो तो वो एक नए टैब में यूज़र के खुले, क्रोम ब्राउज़र के एक नए टैब में खुले, जब यूज़र उसको यूज़ करे उसी टैब में ना खुल जाए जिसमें आपकी वेबसाइट है। तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, जब आप यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी फोर्थ पार्ट की तरफ। तो थर्ड हो, फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि पेजों को कैसे कनेक्ट करते हैं, सेकंड में बताया था कि इमेज को लिंक कैसे देते हैं, थर्ड में आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट कैसे यूज़ करते हैं। अब फोर्थ आया, फोर्थ तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अभी फोर्थ पॉइंट के अंदर जो मैं समझाऊँगा वो सबसे ज़्यादा कठिन चीज़ है, इसमें बहुतों को डाउट हो जाता है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। डरना नहीं है, अगर यकीन बनाए रखोगे मुझ पर तो हो जाएगा, बस आपको यकीन से हर चीज़ देखनी। सबसे पहले मैं सब क्लियर कर देता हूँ, बिल्कुल ब्लैंक कर देता हूँ, तब चलते हैं आपको अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम लोग इसको हटा देते हैं, यहाँ पर हेडिंग को भी हटा देते हैं और इस URL को भी हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। पूरा हम लोग ने क्लियर कर दिया। अब इसको ओपन करें तो अभी देखिए ब्लैंक दिख के आ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जो जो करेंगे उसको पहले समझेंगे, फिर लास्ट में एक्सप्लेन भी कर दूंगा और कमेंट सेक्शन खुला है वहाँ पे भी बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे किस तरीके से क्या चीज़ होने वाली है, सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि यहाँ पे एक हेडिंग लिखेंगे, हेडिंग, ठीक है। तो H1 हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे मैंगो, MANGO मैंगो, ठीक। अब एक पैराग्राफ ओपन करेंगे, पैराग्राफ के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको, तो यहाँ पे पैराग्राफ ओपन किया, ठीक। और यहीं पे हम लोग थोड़ी दूरी पे पैराग्राफ क्लोज भी करेंगे, तो इस तरीके से पैराग्राफ क्लोज करेंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ले लेंगे यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख के रखा है हर चीज़ के बारे में,
मैंगो के बारे में, बनाना के बारे में, एप्पल के बारे में, तीन चीज़ें हम लोग ने ली हैं। तीनों को हम लोग डिस्क्रिप्शन से यहाँ कॉपी कर लेंगे, मेरे यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब करके रखा हूँ, वहाँ से कॉपी कर लेंगे। आप कहीं से भी डमी टेक्स्ट ले लेते हो, कहीं पर भी काम चल जाएगा, नहीं तो आप लॉरम इप्सम लिखोगे गूगल पे तो वहाँ पे भी आपको डमी टेक्स्ट मिल जाएगा। पेस्ट कर दिया यहाँ पे, अब मैं ओपन करूँ तो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैंगो हेडिंग पड़ी हुई है और ये मैंगो के बारे में लिख के आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ी दूर पे यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज कर दिए हैं, अब यहाँ पे BR टैग लगा देंगे, लगा दिया। अब यहाँ पे दूसरी हेडिंग देते हैं, दूसरी हेडिंग H1 भी देंगे, H1 में हम लोगों को क्या लिखना है, अब हम लोगों को लिखना है बनाना। यहाँ पे मैं पहले कॉपी करना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं पहले ये वाला लॉन्ग टेक्स्ट है एप्पल का, तो सबसे पहले एप्पल लिखेंगे। अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसमें से आप कुछ नहीं समझना है, मैं जब बताऊँगा तब आप समझिए। एप्पल लिख दिया, ठीक है। अब हेडिंग क्लोज कर देंगे इस तरीके, अब उसको ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा एप्पल, ठीक है। अब एप्पल के बारे में हम लोग लिखेंगे, तो एप्पल के बारे में हम लोग कहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ से। आपको कहीं से भी गूगल से टेक्स्ट कॉपी कर लेना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तब के लिए, और प्रैक्टिस ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं आएगा, मैंने पहले भी वीडियोज़ में बता रखा है आपको, ठीक है। इसको यहाँ से नीचे तक कॉपी कर लेंगे पूरा, काफ़ी लंबा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि अभी काम पड़ेगा। कॉपी कर लिया और यहाँ पे आए, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पहले हम लोग पैराग्राफ ओपन कर लें तब पेस्ट करेंगे। पी ओपन किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे मैं इसको ग्रेटर देन का निशान लगा देता हूँ इस जगह पर, ठीक। इतना क्लियर हो गया। अब लास्ट में पैराग्राफ क्लोज भी करना पड़ेगा मैनू, ठीक है। तो पैराग्राफ क्लोज करते हैं, इसको इस तरीके ब्रैकेट ओपन करना है, बैक स्लैश लगाना है और पैराग्राफ क्लोज कर देना है। इतना हो चुका है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। ये डॉट डॉट का निशान हटा देते हैं जो एक्स्ट्रा शो हो रहा है। अब इसको ओपन करते हैं, तो दो हेडिंग हो गई, मैंगो एप्पल, ठीक है। अब तीसरी हेडिंग ओपन करनी है, बनाना। यहाँ BR लगा देंगे, BR लगा लिया। अब हम लोग को तीसरी हेडिंग ओपन करनी है, H1 यहाँ ओपन होगी और यहाँ पे लिखते बनाना। ओके, अब हम लोग बनाने के बारे में लाएंगे तो सबसे पहले पैराग्राफ ओपन कर लेते हैं। तो पैराग्राफ ओपन कर लिया, अब थोड़ी दूरी पे ही हम लोगों को पैराग्राफ क्लोज भी कर लेना है, इस तरीके से पैराग्राफ क्लोज कर लेना है। आप लोगों ने बनाना के बारे में भी यहाँ पे लिख रखा है, इसको भी कॉपी कर लेंगे। अब कहोगे भाई कर क्या रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो तुमको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, बिना पेशेंस के भाई कुछ नहीं सीख पाओगे। अगर मैं अभी की हालत अपनी दिखाऊंगा तो आप मेरे ऊपर तरस खाने लगोगे। रात के 1:30 बज रहा है, 1:34 हो रहा है, मैंने चारों तरफ से पंखा लाइट सब कुछ बंद कर रखा हुआ है और छोटा सा कमरा है जहाँ पे सब लाइटें जल रही हैं, मतलब लाइटें तो जल रही, पंखा मैंने बंद कर रखा हुआ है और मेरे ठीक सामने हाइलोजन लाइट इतनी गर्मी में जल रही है। सोचिए रात के 1:30 बज रहे हैं, चारों तरफ से कमरा बंद है, सामने हाइलोजन लाइट जल रही है और मेरा क्या हाल होगा इस गर्मी के अंदर, ठीक है। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हो कि हम क्रिएटर्स आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अगर इस वक्त मैं अपनी आपको फ़ोटो यहाँ पर दिखा दूँ तो आप समझ नहीं पाओगे कौन बैठा हुआ है सामने। मेरा जो चश्मा मेरे आइस पे लगा हुआ है पूरा गीला हो चुका है, उससे पानी चू रहा है, ठीक है। तो बस मेहनत आप समझिए हम क्रिएटर्स की, और जो पढ़ाना चाह रहे हैं वो समझिए, ठीक है। तो मैंने तीन हेडिंग ओपन की, मैंगो एप्पल और यहाँ पर बनाना, तीनों हेडिंग ओपन कर ली। दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कोई स्वार्थ नहीं रहता, सिर्फ इतना रहता है कि आपको जो पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए। 10 वीडियो देखने से अच्छा एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ अच्छे से समझा दूँ। हम भी इंसान हैं, गलतियाँ हमसे भी होती हैं, पर आपको बेहतर तरीके से हर चीज़ देना चाहते हैं तभी यहाँ पे आपको लॉन्ग वीडियो प्रोवाइड करते हैं। मैंने तीन हेडिंग बना ली हैं। अब मैंगो वाली हेडिंग जो सबसे ऊपर है इसको छोड़कर हम लोग एप्पल वाली हेडिंग पर URL लगाएंगे, ठीक है। तो एप्पल वाली हेडिंग ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है। तो एप्पल वाली हेडिंग है यहाँ पर, ठीक है। एप्पल वाली हेडिंग यहाँ पर, ये देखिए। अब हम लोगों को यहाँ एंकर टैग ओपन करना होगा। कहोगे भाई क्या कर रहे हो, मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ओपन किया एंकर टैग, ठीक है। तो इस तरीके से एंकर टैग ओपन कर लिया।
और अभी इसको हटा देते हैं एंकर टैग। अब यहाँ पे लिखते हैं एच आर ई एफ, एंकर टैग के अंदर लिखते हैं, सॉरी एच आर ई एफ नहीं लिखेंगे, नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे, नेम एट्रीब्यूट इक्वल का निशान लगाएंगे और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोगों को एप जो लिखा हुआ है एप्पल इसको लिखना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एप्पल, ए डबल पी एल ई एप्पल, ठीक है। अब हम लोग को इसको क्लोज कर देना है, यहाँ पे एंकर टैग को ये क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में यहाँ से एंकर टैग को हटा देते हैं और लास्ट में लगा देते हैं। अभी फॉर्मेट मैं आपको बता दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। एप्पल के बाद में यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, यहाँ पे बैक स्लैश लगाया और यहाँ ए, ठीक। अब हुआ क्या यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले हेडिंग वन ओपन हुई है, ठीक है, हेडिंग वन ओपन हुई है, उसके बाद आपका ग्रेटर देन का निशान ओपन हुआ है, फिर ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए का मतलब एंकर टैग, फिर नेम एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है और फिर उसके बाद इक्वल का निशान ओपन हुआ है, फिर आपका एक इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ है और फिर दूसरा इन्वर्टेड कॉमा ओपन हुआ है और उसके बीच में लिखा है एप्पल, ठीक है, क्या चीज़ लिखी है, एप्पल लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेटर देन के निशान से यहाँ पे क्लोज हो चुका है ये ऐसे, और फिर उसके बाद एप्पल हेडिंग पड़ी हुई है, फिर यहाँ पे एंकर टैग क्लोज हुआ है और यहाँ हेडिंग टैग क्लोज हुआ है। इतना आप समझ गए होगे, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, एप्पल वाली हेडिंग के अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, ये भी पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम लोग को सेम चीज़ यहाँ पे बनाना वाली हेडिंग में करना है, बनाना वाली हेडिंग में करना है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनाना सिखा रहा हूँ, आप बस देखते जाओ। अब बनाना वाली हेडिंग ढूंढेंगे, अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी तो आप कर लोगे। तो बनाना वाली हेडिंग मिल गई, अब यहाँ पे क्या करना है, एंकर टैग ओपन करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एंकर टैग ओपन कर लिए, तो यहाँ लिख देंगे ए, ए के बाद हम लोग को नेम एट्रीब्यूट ओपन करना है, ये लिख दिया, स्क्वायर का निशान लगाना है, डबल कोटेशन मार्क। अब डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोगों को लिखना है बनाना, तो बी ए एन ए एन ए बनाना लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद में इसको यहाँ से क्लोज करेंगे, तो यहाँ पे इस तरीके से ओपन किया, इसको हटा देंगे और ये यहाँ पे क्लोज हो गया। अब बनाना के बाद में ये जो दूसरा वाला बनाना लिखा है यहाँ पे एंकर टैग क्लोज करेंगे इस तरीके से, ओके। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा क्या चीज़ की है। चलिए मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ किया क्या है हम लोगों ने, यहाँ पे कहीं खाली टेक्स्ट पड़ा है यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। ऐसे सबसे पहले हेडिंग वन ओपन हुई है, हेडिंग वन, ठीक है, ऐसे बंद करें हेडिंग वन, फिर यहाँ पे लिखा है एप्पल, सॉरी एप्पल नहीं लिखा है, हेडिंग वन ओपन हुई है ऐसे, और फिर यहाँ पे लिखा है, फिर ऐसे ग्रेटर देन का निशान, ग्रेटर देन के निशान के बाद में फिर ए लिखा हुआ है, ए के बाद नेम एट्रीब्यूट लिखा है, नेम एट्रीब्यूट लिखने के बाद स्क्वायर का निशान लगा है, डबल कोटेशन मार्क लगा है, डबल कोटेशन मार्क के अंदर एप्पल लिख देंगे हम लोग, तो यहाँ पे एप्पल लिख दिया इस तरीके से, फिर कोटेशन मार्क बंद कर दिया, फिर यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान लगा दिया। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे फिर से एप्पल लिख दिया, आप कैपिटल में लिख देंगे चाहे आप स्मॉल में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पे हम लोग ने एंकर टैग को क्लोज कर दिया, जो यहाँ पे ओपन किया था इस जगह पे ऊपर, अब यहाँ पे हेडिंग को क्लोज कर देंगे, ये प्रोसेस चलिए, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग वन ओपन की है, फिर उसके बाद एंकर टैग ओपन किया, एंकर टैग के अंदर हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट ओपन किया है, इसको अलग निशान लगाया है, कोटेशन मार्क के अंदर हम लोगों ने एप्पल लिख दिया और ग्रेटर देन से यहाँ तक क्लोज कर दिया, फिर एप्पल लिख दिया हम लोगों ने उसका नाम देने के लिए, फिर एंकर टैग क्लोज कर दिया, फिर हेडिंग टैग क्लोज कर दिया। तो ये फॉर्मेट बहुत ही सरल है, इतना हो चुका है। अभी भी यहाँ पे कोई हेडिंग्स में खास कोई फ़र्क आपको नहीं लग रहा है, नहीं है अभी लिंक बनी हुई है। अब हम लोग को टॉप पर जाना है, ठीक है, टॉप पर चलते हैं और यहाँ पे एक पैराग्राफ ओपन करेंगे। सबसे पहले पैराग्राफ ओपन करने के लिए इस तरीके से ओपन किया पैराग्राफ, और अब क्या करेंगे, फिर हम लोग एक तरीके से ऐसे ओपन करेंगे, ए लिखेंगे, ए लिखने के बाद लिखेंगे एच आर ई एफ, स्क्वायर का निशान लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क। अब हम लोग को सबसे पहले हैश लगाना है, और हैश लगाने के बाद हमारे पास मैंगो के बाद जो सबसे पहली हेडिंग आती है, तो मैंगो के बाद सबसे पहले हेडिंग आती है एप्पल, तो हम लोग लिख देंगे एप्पल, ठीक है, ए डबल पी एल ई एप्पल, ठीक है, इतना लिख दिया और यहाँ तक क्लोज कर दिया। और यहाँ पे फिर से एप्पल लिखेंगे, जो एंकर टैग के अंदर नाम दिया जाता है एप्पल, ठीक है। अब एंकर टैग क्लोज कर देंगे यहाँ से, तो
एप्पल AppleE एप्पल एंकर टैग क्लोज कर दिया, पैराग्राफ टैग क्लोज कर देंगे। देखिए मेरे साथ आपको भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मैं समझा सकता हूँ आपको पर आपको भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक एप्पल नाम की लिंक ओपन हो गई है, ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और पैराग्राफ फिर से ओपन करेंगे दूसरी वाली हेडिंग के लिए, दूसरी कौन सी हेडिंग है, एप्पल के बाद बनाना की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग फिर पैराग्राफ ओपन करते हैं, इस तरीके से पैराग्राफ ओपन किया, फिर इस तरीके बॉक्स ओपन किया, उसमें ए लिखा, ए के बाद हम लोग ने लिखा HREF मतलब हाइपर रेफरेंस, और स्क्वायर का निशान लगाया, डबल कोटेशन मार्क दिया, और दूसरी हेडिंग की हमारी बनाना, तो हम लोग लिख देंगे बनाना, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल में लिखा था तो स्मॉल में लिख देते हैं, हो सकता है यहाँ पे मिस्टेक हो जाए, ठीक है। आप यहाँ पे बनाना लिखने के बाद हम लोग ने इतना क्लियर कर दिया, अब उसके बाद में हम लोगों को यहाँ हेडिंग देनी है बनाना, ठीक है। इसको देने के बाद अब एंकर टैग क्लोज करेंगे, एंकर टैग क्लोज हो गया, अब उसके बाद पैराग्राफ टैग क्लोज करेंगे तो पैराग्राफ क्लोज हो जाएगा, बैक स्लैश पी, ओके। तो यहाँ से थोड़ा स्पेस दे देते हैं, ये बॉडी यहाँ पे क्यों आ गया, ठीक है इतना हो गया। यहाँ बॉडी लिखना ज़रूरी है, इसको नहीं हटा सकते, ये वाला हटा देते हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो मैं सही कर रहा हूँ, आप इन पर मत ध्यान दीजिए, ये मोबाइल में कोडिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। अब इसको ओपन करेंगे तो दो हेडिंग है एप्पल एंड बनाना, ठीक है। तो इस तरीके से हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले एप्पल वाली हेडिंग पर क्लिक करते हैं तो एप्पल पर आ गए, कहोगे क्या हुआ भाई ये क्या हुआ, अब समझते हैं। सबसे पहले अभी हम लोग टॉप पर हैं, ठीक है। अब हम लोग स्क्रॉल करेंगे तो ये एप्पल वाली हेडिंग आएगी, फिर और स्क्रॉल करेंगे तो फिर बनाना वाली हेडिंग आएगी, ठीक है। इतना स्क्रॉल करने के बाद ये आएगा, ठीक है। तो ये एप्पल वाली हेडिंग काफ़ी बड़ी, फिर बनाना वाली, अब हम लोग को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे आना पड़ रहा है। अब समझो हम लोगों ने एप्पल पे क्लिक किया, डायरेक्ट एप्पल पे आ गए, फिर लास्ट में बनाना पे क्लिक किया तो डायरेक्ट बनाना पे क्यों नहीं आए। तो यहाँ पे बनाना पे हम लोगों ने शायद कुछ गलती की है, तो यहाँ पे बनाना वाले में हम लोग ने यहाँ पे देने में कुछ गलती कर दी है शायद, देखते हैं इसको सही कर लेते हैं, आपके सामने ही करेंगे जो भी करेंगे। एंकर टैग, एंकर टैग के बाद हमने नेम एट्रीब्यूट ओपन किया है और बनाना लिख दिया है और यहाँ पे क्लोज कर दिया है, फिर बनाना लिख दिया है, फिर एंकर टैग क्लोज कर दिए, हेडिंग क्लोज कर दी है, सेम तो हुआ है यहाँ पे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई हम लोगों से, ओके। यहाँ पे गलती शायद हुई है, यहाँ पे हैश नहीं लगाया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोग हैश लगा देंगे और फिर ओपन करेंगे, तो हम लोगों ने डायरेक्ट बनाना पे आ गए। तो ये चीज़ होती है कि आपको मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी वेबसाइट बनाते हो जब, और काफ़ी लोगों को स्क्रॉल करना पड़ता है तो वो थक जाते हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा बोरियत होगी वेबसाइट पे, लोग ज़्यादा टिकेंगे नहीं। तो ऐसे में आप ये सिस्टम लगा सकते हो कि ऊपर आप लिंक दे दोगे और लास्ट वाली जैसे जैसे बटन दबाएंगे वो लास्ट पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इतना जो स्क्रॉल करके आप आओगे नीचे उतना आप वो बटन दबा कर आ जाओगे। एप्पल पे गए, एप्पल पे पहुँच गए, फिर यहाँ पे बनाना पे गए, बनाना पहुँच गए। अब मान लो भाई कोई इंसान नीचे तक आ गया है, नीचे आने के बाद में वो फिर ऊपर जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कोड पर आ जाते हैं, कोड पे आने के बाद में सबसे पहले चलते हैं, कोड पे आने के बाद में यहाँ पे इतना हो चुका है, लास्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किस तरीके से ऊपर जाने का इंतजाम लगा सकते हैं तो समझते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले हम लोग को एंकर टैग यहाँ ओपन करना होगा, ए लिखना होगा, HREF फिर स्क्वायर का निशान, डबल कोटेशन मार्क। अब यहाँ पे इसी पेज का नाम दे दो, इस पेज का नाम है index.html, आपको ऊपर दिख रहा है ये देखिए index.html, तो इस पेज का नाम है index.html, यहाँ पे लिख देते हैं index.html, ये इसको कहते हैं पाथ देना, पाथ PATH पाथ, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेलिंग में देते हैं टॉप, ओके। अब इसको क्लोज कर देंगे एंकर टैग को, तो एंकर टैग को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट बनाया, स्लैश लगाया, ए लिख दिया, एंकर टैग क्लोज हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखिए टॉप पर हैं, लास्ट में हम लोग को बनाना पर जाना है तो हम लोग ने बनाना पर क्लिक किया और लास्ट पे आ गए। अब यहाँ पे लास्ट में आए तो यहाँ पे लिखा टॉप, ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए लिखा टॉप,
ये जैसे टॉप वाली बटन पे क्लिक करोगे तो देखना टॉप पर पहुंच जाओगे। चलिए क्लिक करते हैं तो हम लोग टॉप पर फिर पहुंच गए। तो ये सिस्टम बनाया गया है यहाँ पे HTML की मदद से। एप्पल पे क्लिक किया एप्पल पे आ गए, बनाना पे क्लिक किया बनाना पे आ गए, टॉप पे जाना तो फिर टॉप पर चले गए। तो ये चीज़ हम लोग HTML में एंकर टैग की मदद से कर सकते हैं। ये पार्ट 4 था, अब चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ठीक है, तो पार्ट 5 में क्या चीज़ है समझते हैं। सबसे पहले इन सब चीज़ों को हम लोग बिल्कुल हटा देते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे हम लोग ने सब कुछ क्लियर कर लिया है। ओके गाइस, यहाँ पे मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन करूँगा तो सिर्फ एक फोटो आपको दिखाई पड़ेगी। आप कहोगे भाई ये फोटो कैसे आ रही है HTML वेब पेज के अंदर, ये आपने सिखाया नहीं। तो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। ये आपके IMG टैग की मदद से होता है। IMG टैग का मतलब होता है इमेज टैग। ठीक है, तो ये IMG टैग के ऊपर बहुत ही जल्दी वीडियो आएगी, तो वहाँ पर मैं आपको सिखा दूंगा कि कैसे IMG टैग की मदद से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इतना समझ लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने ओपन की है, अभी IMG टैग का ये कोड लिखा हुआ, अगर आप समझ पा रहे हो तो समझ जाओ। अभी मैं इसको समझाने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, अभी एंकर टैग चल रहा है इसको समझते हैं। अब ये फ़ोटो को हम लोग मान लीजिए किसी वेबसाइट पे हैं, इस फोटो को हम लोग को डाउनलोड करने का सिस्टम लगाना है कि हम लोग उसको डाउनलोड कर सकें कहाँ, अपने मोबाइल की फ़ोन स्टोरेज पे, तो वो कैसे कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले कोड लिखना है, एंकर टैग ही ओपन करेंगे यहाँ पे, एंकर टैग की वीडियो चल रही है तो। और हाइपर रेफरेंस के अंदर हम लोगों को अपनी फ़ोटो का पाथ देना है, मतलब URL देना है। तो क्या चीज़ है, सबसे पहले इमेजेस फोल्डर के अंदर है तो इमेजेस फोल्डर लिखेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे और फोटो का नाम है apple.jpg तो इसको लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं फटाफट, यहाँ पर काम को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले इमेजेस कैपिटल में आई है तो कैपिटल में आई रखेंगे, IMages। ओके, बैक स्लैश लगाया, बैक स्लैश लगाने के बाद apple.jpg, ठीक है, इतना लिख दिया apple.jpg। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं डाउनलोड, जहाँ पे एंकर टैग का नाम लिखा जाता है, मतलब कोई भी चीज़ लिखी जाती है वहाँ पे लिखते हैं डाउनलोड। अब इसको रन करेंगे, कहोगे भाई यहाँ क्या डाउनलोड हो जाएगा, अगर ये डाउनलोड बटन क्लिक करें डाउनलोड हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये अभी सिर्फ ओपन कर रहा है, फ़ोटो को शो कर रहा है, डाउनलोड नहीं कर रहा है। तो डाउनलोड कैसे करेगा भाई, समझो, डाउनलोड करने के लिए हम लोग को एक एट्रीब्यूट का यूज़ करना होता है जिसका नाम है डाउनलोड, खुद डाउनलोड एट्रीब्यूट। ठीक है, तो वो कैसे यूज़ करना है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आएंगे एंकर टैग के अंदर, लिखेंगे डाउनलोड, स्क्वल का निशान लगाएंगे, डबल कोटेशन मार्क देंगे। अब यहाँ पे आपको जो कोटेशन मार्क के अंदर वो क्या लिखना है, आप ये इस फोटो को किस नाम से डाउनलोड करना चाहते हो, तो मैं इस फोटो को नाम डाउनलोड करना चाहता हूँ एप्पल नाम से। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया, अब इसको स्क्वल का निशान लगाएंगे और ये डाउनलोड वाली बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये फ़ोटो अभी डाउनलोड नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, मैं इसको ब्राउज़र के अंदर ओपन करूँगा, ब्राउज़र के अंदर ओपन करने के बाद ये डाउनलोड होगी। ठीक है, ये देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट, फाइल डाउनलोडेड। अब इस फाइल को ओपन करते हैं, तो ये फाइल जो आई है और ये ओपन हो चुकी है, तो ये डाउनलोडेड फाइल है जो अभी डाउनलोड होकर आई है। अगर मैं इसको फोटोज़ के अंदर जाऊं, फोटोज़ के अंदर ओपन करता हूं इसको और इसको मैं डिटेल्स देखता हूं, तो ये देखिए एप्पल नाम से डाउनलोड होकर आई है। चलिए मैं आपको एक बार आपके सामने करके दिखाता हूँ, अगर आपको यकीन ना हो रहा हो कि ऐसा प्रोसेस हो भी सकता है, तो यहाँ पे डाउनलोड के अंदर उन्होंने एप्पल नाम दिया था, अब एप्पल नाम हटा दूंगा और मैं अपना खुद का नाम दूंगा, तो SHUBHM शुभम नाम से। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ब्राउज़र पे इसको ओपन कर लेंगे, क्रोम ब्राउज़र या किसी और के अंदर ओपन कर लो, वैसे क्रोम ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, आप डाउनलोड वाली बटन पे जैसे आप क्लिक करते हो इस तरीके से, तो फाइल डाउनलोडिंग लिख के आया, अभी आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पे लिख के आ गया फाइल डाउनलोडेड, क्योंकि बहुत ही कम MB की है इसलिए डाउनलोड हो गई है। कम MB क्या है, यहाँ पे KB की फाइल है, 206 KB। ठीक है, तो इस तरीके से फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन विथ पे क्लिक करेंगे, ओपन विथ के बाद मैं फ़ोटोज़ पे जाऊँगा और ये यहाँ पे ओपन हो चुकी है। अब दो डॉट पे क्लिक करके डिटेल्स लेंगे इसकी, तो ये किस नाम से डाउनलोड हुई, शुभम नाम से। तो इस प्रोसेस से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। मैं आपको कोड एक बार फिर से दिखा देता हूँ, कोड मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने एंकर टैग ओपन किया है, फिर मैंने HREF लिखा है, HREF के अंदर उस फोटो का स्क्वल का निशान लगाकर उस फोटो का पाथ दे देना है, तो पाथ है इमेजेस और उसके बाद स्लैश लगाया है apple.jpg जो लोकेशन होती है, ये दे दिया। ठीक है, उसके बाद हमने डाउनलोड एट्रीब्यूट लिखा है, उसके बाद स्क्वल का निशान लगाया है और डबल कोटेशन मार्क के अंदर हम लोग को वो चीज़ लिखनी है जिस नाम से वो डाउनलोड हो। अगर मैं शुभम के हटा कर यहाँ पे कोई दूसरा नाम लिख दूंगा,
मान लीजिए एप्पल की जगह एंड्रॉयड लिख दूँ तो भी वो डाउनलोड एंड्रॉयड नाम से होगी। फिर उसके बाद एक नेम दे देना जो वहाँ पे शो होगा डाउनलोड नाम से, एंकरटेक क्लोज कर देना है। ये इसको कोड था। अब इसी के अंदर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ जो कि आप यूज़ कर सकते हो, वो डाउनलोड के लिए नहीं है पर वो यूज़ करना इसलिए ज़रूरी होता है कि जो ब्राउज़र होते हैं जैसा कि आपका क्राउन ब्राउज़र हो गया, ब्राउज़र के अंदर सर्च इंजन होते हैं। सर्च इंजन क्या, जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, आपका बिंग सर्च इंजन हो गया, याहू सर्च इंजन हो गया, एक आपका डक डक गो करके नाम से सर्च इंजन आता है। तो ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, आप जानते होंगे इस बारे में, ठीक है। तो सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को कैच करते हैं, आपकी वेबसाइट को रैंक करते हैं। अब रैंक कैसे करते हैं, ठीक है, तो रैंक करने के लिए वो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी लिंक होते हैं, जैसे कि अभी मैं इसको ओपन करूं तो ये डाउनलोड नाम से एक लिंक बन गया है, ठीक है। तो ये जितने भी लिंक होते हैं इनको वो पढ़ता है सर्च इंजन, सर्च इंजन के अंदर जो बॉट्स होते हैं वो इनको पढ़ते हैं। और पढ़ने के बाद इनमें आपने जो भी कनेक्ट करके रखा है, मान लीजिए इसके अंदर आपने किसी वेबसाइट को कनेक्ट किया हुआ है और वो वेबसाइट गूगल सर्च इंजन जानना चाहता है, तो पहले वो URL को कैच करेगा फिर उस वेबसाइट को कैच करेगा। तो आपको गूगल सर्च इंजन को बताना होगा कि वो जो URL लिखा हुआ है ये किस भाषा में लिखा हुआ है। आपका हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये आपको बताना पड़ेगा कि ये किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तभी वो सर्च इंजन इसको कैच कर पाएगा। तो ये कैसे बता सकते हो, इसको बताने के लिए क्या कोड लिखना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। इसको बताने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना होगा, इसी के बाद में HREF लिख देना है, यहाँ पे HREFLANG HREFLANG हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज, इसको बोलते हैं हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज, HREFLANG हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज। इसको का निशान लगा देना है सबसे पहले, यहाँ पे सॉरी मैंने डबल कोटेशन लगा दिया, फिर आपको डबल कोटेशन मार्क लगा देना है। अब डबल कोटेशन मार्क के अंदर क्या चीज़ लिखनी है ये बहुत ध्यान से समझिए। अगर आपका URL इंग्लिश लैंग्वेज में है, आपको मैं बता दूँ, आप अगर आपका URL जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में है यहाँ पे, ठीक है, तो आपको शुरुआत के दो लेटर लिखने EN। अगर हिंदी लैंग्वेज में है तो आपको शुरुआत के दो लेटर लिखने HI, ठीक है, उस डबल कोटेशन मार्क के अंदर। तो मेरा इंग्लिश में है URL तो मैं यहाँ पे लिखूँगा EN, जैसे ही EN लिख दूँगा और उसको सर्च करूँगा, ठीक है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पर जो सामने वाला व्यक्ति है, सामने वाला व्यक्ति कौन, गूगल सर्च इंजन, वो समझ जाएगा कि ये इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे HI कर देता तो HI कर देता तो वो समझ जाता कि ये URL हिंदी लैंग्वेज में है। पर आपको कभी भी धोखाधड़ी नहीं करनी है, जिस लैंग्वेज में आपने URL दिया है आपको उसी लैंग्वेज में यहाँ लेटर लिखना है। मैंने इंग्लिश में दिया तो मैं शुरुआत के दो लेटर लिख दूंगा EN, और गूगल सर्च इंजन जब इसको कैच करेगा तो वो कोड को पढ़ लेगा, कोड को पढ़ने के बाद वो समझ जाएगा कि ये जो हमारा URL है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, और वो फटाक से इसको कैच करके इसके अंदर की वेबसाइट तक पहुँच जाएगा। तो ये आपको बताना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आपको अपनी वेबसाइट लानी है रैंकिंग में और टॉप पे लानी है तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो कुछ ऐसे यहाँ पे टैग्स और कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं SEO टाइप। SEO क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो उनको हम लोग यूज़र्स के लिए नहीं लगाते हैं, यूज़र नहीं देख पाएगा जो आपकी वेबसाइट पे आएगा, वो आपका क्रोम ब्राउज़र देख पाएगा, आपका गूगल सर्च इंजन देख पाएगा, जिनके पास अथॉरिटी होती है कोड के अंदर झांकने की, ठीक है। तो वो हम लोग गूगल सर्च इंजन के लिए यहाँ पे कुछ कोड ऐसे लिखते हैं, उनमें से एक कोड मैंने आज आपको बता दिया, आपका ये है हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज, इसके अंदर आपको लैंग्वेज देनी होती है। तो ये पूरे 5 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं, Part 1, Part 2, Part 3, Part 4, Part 5। Part 1 के अंदर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे पेजेस को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाता है। Part 2 में मैंने आपको बताया कि इमेज की लिंक कैसे दी जाती है, जो इमेज होती है उसकी आपको लिंक कैसे देनी है, ठीक है। और दूसरा बताया था कि वेबसाइट की लिंक कैसे देनी है अपनी वेबसाइट के अंदर। फिर Part 3 में मैंने आपको बताया था टारगेट एट्रीब्यूट के बारे में, जो कि एक नए टैब में आपके कोड को खोलता है, आपका जो भी पेज है एक नए टैब में खुलेगा जाकर क्लिक करने पे, ठीक है। उसके बाद मैंने Part 4 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था कि एक बड़ा पैराग्राफ जब आप लिखते हो तो उसको आप डायरेक्ट मतलब शॉर्टकट कैसे मार सकते हो, जो मैंने एप्पल बनाना और मैंगो का उदाहरण दिया था। जैसे ही क्लिक करते थे तो हम लोग डाउन पे आ जाते थे, फिर डाउन से टॉप पर क्लिक करते थे तो टॉप पर चले जाते थे। Part 5 के अंदर मैंने आपको बताया कि कोई भी इमेज है उसको डाउनलोड कैसे करते हैं, और उसके बाद में हम लोग डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे हमने एक चीज़ और बताई कि हाइपर रेफरेंस लैंग्वेज की मदद से हम लोग गूगल सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारी लिंक किस लैंग्वेज में है। तो 5 पार्ट इस वीडियो में कंप्लीट हो चुके हैं।
ये अपने आप में ही एक वीडियो कोर्स में बदल चुकी है जो कि आपके लगभग एक घंटे के आसपास बनी होगी जाकर, ठीक है। तो ये कोर्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी जहाँ पर मैं बिल्कुल भी कोताही नहीं कर सकता था इसको स्किप करने की या फिर इसको जल्दी जल्दी बताने की। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, इसको जल्दी में समझ लेते हैं। इसको जितना आप आराम से समझो और जितना टाइम लेकर समझो, एक बार वीडियो देखो दो बार देखो उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है। एंकर टैग ऐसा टैग है जो जगह 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 आपको HTML के अंदर यूज़ करते हैं हम दिखेंगे जब वेबसाइट को बनाएंगे। तो इसलिए इस टैग को बहुत ही आराम से और बहुत ही फोकस के साथ लर्न करना पड़ेगा आपको, जिससे आपको ये टैग बिल्कुल दिमाग में बस जाए। अब ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, एक लाइक कर दो यार, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।